यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर आप सभी का एक बार फिर से गगन कपूर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमने लास्ट क्लास में ये बड़ा ही बेहतरीन सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, इनकम टैक्स। और लास्ट क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन की बातें आपके साथ की थी। आज की क्लास में हम अपने इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ने से पहले, आगे चलने से पहले, मैं आपको एक बात फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि हम जब आपको ये पढ़ा रहे हैं और कई जगहों पर हम आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर स्लाइड शेयर कर रहे हैं, तो आपको वो स्लाइड सारी की सारी अपने शीट पर या अपने रजिस्टर पर नोट करनी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उसको देख करके कहें कि हाँ हाँ हमने समझ लिया है। आपने सब कुछ नोट करना है। मैं नोटिंग इसलिए नहीं कर रहा सो दैट टाइम सेव हो पाए। मैं पहले ही बता चुका हूं हमारा इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत लेंथी है, तो उसको टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ा स्लाइड्स का इनिशियली यूज कर रहा हूं। ठीक है सर, आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में जो हमने इंट्रोडक्शन की बातें की थी, पहले हम उसको रिवाइज करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले हमने आपको यह बताया था कि इनकम टैक्स को चार्ज करने की पावर गवर्नमेंट को कहां से मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिल रही है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह पावर हमें कौन सा आर्टिकल दे रहा था? आर्टिकल नंबर 246। कैसे दे रहा था? वो कह रहा था कि मैंने एक शेड्यूल नंबर 7 बना रखा है, और फिर शेड्यूल 7 कहता था कि हमारे पास आगे 3 लिस्ट है, जिसमें से लिस्ट 1 की एंट्री अगर हम डालेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स एक्ट चार्ज जो करने की पावर हमें दी गई वो शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 में दी गई, एंट्री नंबर 382। बस ये बात हमने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, यही हमने आपको यहां पर बतानी है या रिवाइज करानी है। तो वाइड शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री नंबर 82 ये पावर दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू चार्ज टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। क्योंकि लिस्ट 1 है तो लिस्ट 1 तो मैं बता चुका हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रही है। लिस्ट 1 में 97 एंट्रीज हैं टोटल, और उसमें से एंट्री नंबर 82 जो है वो इनकम टैक्स के लिए है, लेकिन वो कहती है कि एग्रीकल्चरल इनकम को सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं करेगी। हमारी इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। आप देखते हैं अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो कैसे किसानों का आंदोलन शुरू होता है, उनकी बातें न्यूज में होती हैं, गवर्नमेंट उनकी बातें करने लगती है। तो स्टेट्स को अपना एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट्स ने अपने पास रखा हुआ है, और वो एग्रीकल्चरल इनकम चार्ज करने की बात आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के थ्रू लिस्ट 2 में करता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देती है। ठीक है, तो पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट वाइड लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 एंट्री नंबर 84। सर ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सब आप नोट कर रहे हैं, बी श्योर। आप जब चाहे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, बट ये आपको नोट करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बातें हमने समझ ली। इसके बाद सवाल ये उठता है कि सर वहां पर पावर लिख दी तो उससे क्या हमारे ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट को पहले अपनी पावर को यूज करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट में कानून बनाएगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपना विधानसभा विधान परिषद के थ्रू कानून बनाएगी। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा क्लेरिफाई करके दिया है। हमारी दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, जिसके अंदर थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट थी कि इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल वो कहते थे जी मुझे काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी नहीं जी आप नहीं काम करोगे, काम जो है एलजी के थ्रू होगा, उनकी अप्रूवल होगी। तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कितनी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कितनी सफाई से क्लैरिटी से बातें समझाई हैं। तो आपको जो भी कानून बनाना है, पावर लगाने, तो पहले उसका लॉ बनाना पड़ेगा। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट में लॉ बनाइए, और स्टेट गवर्नमेंट है तो आप अपने स्टेट असेंबली के थ्रू उसको बनाइए। तो इन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इनकम टैक्स एक्ट 1961 थ्रू पार्लियामेंट। अब सवाल ये उठता है कि आपका लॉ बन जाता है, लेकिन लॉ कई कई साल पुराना हो जाता है। आप देखेंगे अभी हमारे कई सारे एग्जिस्टिंग लॉ बहुत बहुत साल पुराने हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मैं कल सुन रहा था, अब आपसे क्या कहूं, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर नहीं हो सकते, हम तो पब्लिक हैं, हमें अपने बेनिफिट की बात देखनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है
गवर्नमेंट कहती है कि मान लीजिए कोई भी बात हो तो आप कोर्ट में चले जाइए। बीजेपी के नेता कल ये आरोप लगा रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट में चले जाइए। बेटे, अगर गवर्नमेंट की हर चीजें कोर्ट में जाएंगी तो फैसला आने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं, और मैं अगर गवर्नमेंट से ये कहना शुरू कर दूं कि अगर आपको मेरे से ऑब्जेक्शन हो रही है, मैं आपको टैक्स नहीं देता, जाओ कोर्ट में चले जाओ, ऐसे नहीं होगा। गवर्नमेंट को जैसे ही पता लगता है कि यार ये लॉ के अंदर प्रॉब्लम रह गई है, वो कोर्ट नहीं जाती, वो अपनी लॉ को अमेंड कर देती है। और रेवेन्यू लॉज अगर कई कई सालों तक अमेंड नहीं होंगे तो उनकी कमजोरियां पब्लिक को पता लग जाएंगी, तो गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होने वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट हर साल अपने रेवेन्यूज लॉज को अपडेट करती है, अमेंड करती है। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल, वैसे जैसे हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट आपके लॉस को, टैक्सेशन रेवेन्यू लॉस को जरूर अपडेट करती है। और कैसे अपडेट करती है? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट। और ये प्रोसीजर भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो बजट के अंदर बता देते हैं ये हमारा फाइनेंस बिल है, वो फिर जब मंजूर हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट बनता है, और फाइनेंस एक्ट में सभी टैक्स लॉस के अंदर होने वाली अमेंडमेंट दे दी जाती हैं, और उससे सारे एक्ट जो टैक्स के लॉज होते हैं उनमें जिस जिस लॉ का वो सब्जेक्ट मैटर हो वहां जाके उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू हमारे सारे टैक्सेशन लॉज अमेंड होते हैं, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी एज वेल एज कस्टम एज वेल एज एनी अदर रेवेन्यू लॉ। ठीक है, यही बात हमने आपको लिख के बताई कि हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट इसको अमेंड करती है। सर अभी चल रहा है 2018, तो हमारे पास लेटेस्ट आया था फाइनेंस एक्ट 2018, लेकिन हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ना है वो पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंडेड अप टू फाइनेंस एक्ट 2017। आपको 2017 तक अमेंडेड पढ़ना है। ठीक है, आप ऐसा भी ना समझ लें कि हर साल इनकम टैक्स बिल्कुल ही बदल जाता है, नहीं बेटे, जो अमेंडमेंट्स आती है बस वो उसके अंदर डाली जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप हमारे साथ समझ जाएंगे कि कैसे कैसे फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट लाता है। अब सर एक था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अगर आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ले ली, उस पावर को यूज करके आपने एक्ट भी बना दिया, अब कोई तो होना चाहिए जो उसकी देखभाल करेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया मेरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मेरे लिए पैसों का प्रबंध करता है उसको बोला भाई इसको देखो, तो उन्होंने एक विभाग बना दिया जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दो डिपार्टमेंट आ रहे हैं, एक डायरेक्ट टैक्स के लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। डायरेक्ट टैक्स वाले डिपार्टमेंट का नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सर हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स वाले का नाम क्या था? मैंने कहा जल्दी बताओ, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अभी बेटे हमारा जीएसटी का नाम तो आ गया है लेकिन हमारे उस डिपार्टमेंट का नाम चेंज नहीं हुआ है, जब चेंज हो जाएगा तब वो बदल जाएगा, अभी पुराना नाम चल रहा है। सर ये सीबीडीटी करता क्या है ये आपने लास्ट क्लास में नहीं बताया, तो अभी हम आपको बताएंगे कि बेसिकली ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और ये कौन कौन से काम कर रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो कि मैं कह रहा था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो पाएगा, एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, सर्कुलर्स क्या है। तो एक्ट वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था, जो रूल्स और सर्कुलर वाला पार्ट है वो आज की क्लास में डिस्कस होगा। ये रूल्स और सर्कुलर इश्यू करती है हमारी सीबीडीटी। चलिए सर तो शुरू करते हैं। सीबीडीटी इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बात तो क्लियर हो गई। अब सर सीबीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो भाई सीबीडीटी कहता है जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सारी काम करेगा। अब सर एक्ट भी बन गया, मुझे बता दिया गया एक्ट बन गया है, लेकिन सिर्फ एक्ट से काम नहीं चलता। हम अभी तक कई सारे लॉ पढ़ चुके हैं और हम हमेशा लॉ पढ़ते रहते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर हम जानेंगे कि हमें एक्ट के साथ साथ पढ़ने होते हैं रूल्स, बिना रूल्स के आपका काम नहीं चल सकता। तो एक्ट के साथ रूल्स पढ़ने होते हैं और साथ ही साथ हमें सर्कुलर्स हैं और जो कोर्ट के डिसीजंस हैं उनको भी साथ में स्टडी करना होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे इनकम टैक्स रूल्स के बारे में। इनकम टैक्स रूल्स, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी हैज गिवन पावर अंडर सेक्शन 1295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू मेक रूल्स सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ
इनकम टैक्स। सर अब ये इनकम टैक्स रूल्स के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है कि जब भी आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ के अंदर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया। तो बेटे गवर्नमेंट ने तो आपके लिए एक एक्ट बना दिया। अभी आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, जब आप इनकम टैक्स एक्ट हमारे साथ पढ़ेंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे एज इट इज जो लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, एज इट इज आपको बताएं और उसको इंटरप्रिटेशन करना सिखाएं। जनरली टीचर क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में एक्ट को लिख देते हैं, लेकिन हम आपको ओरिजिनल लैंग्वेज दिखाएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि एक्ट में ना कई बार लिखा हुआ होता है एज प्रेस्क्राइब्ड, एज प्रेस्क्राइब्ड। अब सर एक्ट में पढ़ रहा हूं और एक्ट में लिखा हुआ है एज प्रेस्क्राइब्ड, तो सर कौन प्रेस्क्राइब करेगा? तो जब लॉ मेकर्स लॉ बनाते हैं तो कुछ मेन मेन बातें वो लॉ की लिख देते हैं और बाकी बातों के लिए एक हिंट दे देते हैं कि हम इसको बाद में प्रेस्क्राइब करेंगे, और वो प्रेस्क्राइब करने का काम रूल्स के थ्रू किया जाता है। ये प्रेस्क्राइब कौन करेगा? रूल्स प्रेस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहली बात, रूल्स क्या बताएंगे? एक्ट के अंदर जहां जहां वर्ड प्रेस्क्राइब होगा उसको डिफाइन करके बताएंगे कि आप रूल्स पढ़ लीजिए। सेकेंड थिंग, जैसे कि गवर्नमेंट, अभी आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि अगर आप इनकम अर्न करते हैं, मैं कहूंगा हां मैं इनकम अर्न करता हूं, तो गवर्नमेंट कहेगी कि आपको अपनी इनकम की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा रिटर्न फाइल कर दूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? कोई फॉर्म वगैरह बताओगे? तो हमारे इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वो हमारे को फॉर्म्स देंगे कि ठीक है जी आपने ये वाले फॉर्म्स फॉलो करने हैं। सिमिलरली बहुत सारी जगहों पर हमारे को रूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आप सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप जानेंगे कि गवर्नमेंट कह देगी कि ठीक है जी आप रूल्स फॉलो कर लो, तो हमें कई बार रूल्स की जरूरत पड़ेगी। एक्ट के अंदर यह लिखा जाता है कि क्या करना है, लेकिन उसे सर कैसे करना है, उसका प्रोसीजरल पार्ट क्या होगा, ये सारी बातें हमें रूल्स के अंदर बताई जाती हैं। तो जब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे कि यहां रूल्स को रेफर किया गया और हम इस रूल को रेफर कर रहे हैं या इस रूल को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, तो वापिस चलते हैं। हमने रूल्स के बारे में थोड़ी बात पढ़ ली। अब सर सर्कुलर्स क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं। ठीक है जी, सर्कुलर्स और क्लेरिफिकेशन। सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट गिव्स पावर टू सीबीडीटी टू इशू सर्कुलर एंड क्लेरिफिकेशन। अच्छा यहां पर इशू वर्ड मिसिंग है, तो आप नोट कर लेना कि सेक्शन 119 गिव्स पावर टू सीबीडीटी टू इशू सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। अब सर ये सर्कुलर और नोटिफिकेशंस ये क्या बला है? देखिए क्या होता है कि एक्ट भी बन गया और रूल्स भी बन गए, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि इमीडिएटली कुछ ये सीबीडीटी डिपार्टमेंट है और सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसे हम इनकम टैक्स ऑफिस बुलाते हैं ITO। अचानक कोई जजमेंट आ गई, अब उस जजमेंट को सीबीडीटी क्या करेगी? सर्कुलर इश्यू करके अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देगी कि आपने जो काम करना है ऐसे करना है, या उनको इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो सीबीडीटी ने क्या इशू किया? सर्कुलर। लोगों को कई बार तकलीफ आ रही होती है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं यार ये मतलब कंफ्यूजन क्यों है, तो उस पर वो क्लेरिफिकेशन दे देते हैं, सर्कुलर इश्यू कर देते हैं, वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं, डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, और वो क्योंकि सीबीडीटी ने इश्यू किया है तो वो इन सर्कुलर से बाउंड होते हैं। सर मैं असेसी हूं, मैं जनरल पब्लिक हूं, तो जनरल पब्लिक इन सर्कुलर से कभी भी बाउंड नहीं हो सकती। जनरल पब्लिक तो बाउंड है अपने एक्ट से और अपने रूल से। सीबीडीटी ने जो समझा वो उसने अपने डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज को समझाया, असेसी उससे बाउंड नहीं है, एम्प्लॉयज उसके बाउंड है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये आपके बेनिफिट के हों तो क्या होगा? अगर कोई सर्कुलर, अगर कोई क्लेरिफिकेशन असेसी के फायदे की हो तो आप उसे यूज कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी असेसमेंट करने वाला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो इससे बाउंड है। आप उसे दिखा सकते हो कि ये देखो
ये सर्कुलर है, आपको मेरा काम करना पड़ेगा। वो आपको ये नहीं कह सकता कि सर्कुलर है आप बाउंड हो। मैं छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल आपको देकर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट के पास गया, तो आपने मूवी में देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग कहते हैं कि नहीं जी, आपका जो जहां पर भी हुआ है वो हमारे एरिया में नहीं पड़ता, आप अपने एरिया में जाके कंप्लेंट करो। अब मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर है, आप वो सर्कुलर उसको दिखा सकते हैं कि देखिए आपकी ड्यूटी बनती है, आपके डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है कि हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो इन सर्कुलर सीबीडीटी ने इश्यू किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए और वो उससे बंधे हुए हैं। हां सर, उन्होंने उनको दिया था, मुझे कैसे मिला? अगर किसी तरीके से आपको मिल गया है और आपको लगता है कि उसमें आपके कुछ फायदे की बात है, तो आप डिपार्टमेंट को जाइए और एम्प्लॉय को दिखाइए कि देखिए आप इससे बाउंड है, आपको ये मेरा काम करना पड़ेगा, तो वो करेंगे। ठीक है सर, तो वापिस आते हैं और हम सर्कुलर की बात करते हैं कि दीज सर्कुलर्स आर बाइंडिंग अपॉन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, दीज सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग अपॉन असेसीज। असेसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, उनके ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है जी। सर यहां तक हमने बात समझ ली। एक चीज अभी जो हमारी रह गई है, जो कि हम उस स्लाइड में नहीं लिख पाए, वो हमें आपको बतानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि थोड़ा सा स्पेस बना दीजिए मुझे। हमने ये देखा कि सर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमें पावर मिली, गवर्नमेंट को पावर मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना इनकम टैक्स का एक्ट बना लिया, फाइनेंस एक्ट से उसको अमेंड कर दिया। अब सर असेसी, जो असेसी था उसने एक्ट को पढ़ लिया। अब क्या हुआ, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सीबीडीटी है, उसने भी पढ़ा। अब क्या इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है? असेसी कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर को कि आप ठीक से रीड नहीं कर रहे हो जो लॉ में लिखा है, और इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहे हैं नहीं जी आप ठीक से रीड नहीं कर रहे हो। दोनों में डिस्प्यूट हो रहा है। अब डिस्प्यूट हो रहा है तो क्या करूंगा मैं, कोर्ट में जा सकता हूं या नहीं जा सकता? तो हम इनकम टैक्स में भी कोर्ट होती है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, ITAT, वहां भी जा सकते हैं और हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोर्ट में आपको पता है कि हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो जिस भी कोर्ट में जाएंगे वो कोर्ट क्या करती है, डिसीजन दे देती है। और एक बार डिसीजन आ गया तो फिर वो डिसीजन यहां पर रेफर कर दिया जाता है। अब हर आदमी थोड़ी ना बार बार कोर्ट में जाएगा, वो कह रहे हैं कि देखो जी ये फैसला कोर्ट में आया था, सिमिलर केस है, ये अप्लाई हो जाएगा। तो आपको कोर्ट के डिसीजंस भी कई बार बीच में पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम की बात आएगी या हाउस प्रॉपर्टी इनकम की बात करेंगे, तो आपके सिलेबस में भी है कि आपको दो चार मेन कोर्ट के डिसीजंस पढ़ने हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब कोई डिसीजन हाई कोर्ट से आएगा तो हाई कोर्ट जिस स्टेट की हाई कोर्ट है उस स्टेट के ऊपर वो बाउंड हो जाएगा, बाकी जगह उसका रेफरेंस लिया जा सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वो लॉ ऑफ लैंड है, वो पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्ट के साथ साथ हमने पढ़ने हैं रूल्स, रूल्स के साथ साथ हमने पढ़ा कि सर्कुलर्स है जिनकी लिमिटेड यूटिलिटी रहेगी, प्लस आपको साथ में कोर्ट के डिसीजंस को भी कई बार पढ़ना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दे दी है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं दिल्ली के अंदर काम करने के लिए, बिल्कुल क्लैरिफाई करके दिया था। तो पहले हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि दिल्ली गवर्नमेंट को LG के हिसाब से चलना पड़ेगा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है आप उसे गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, उसका रियल इंटरप्रिटेशन ऐसे है। तो लॉ को लेकर के ना कई बार इंटरप्रिटेशन के लिए डिस्प्यूट हो जाता है, तब कोर्ट डिसीजन आते हैं और उनकी वैलिडिटी क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये आपने समझ ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और
अब मैं आपके साथ पहले ये डिस्कस करूंगा कि हमने जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, जो मैं कहता हूं बहुत लेंदी सिलेबस है, उसमें बेसिकली आपने क्या पढ़ना है या जो आपका इनकम टैक्स का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ इसको नोट करेंगे, हालांकि मैं स्लाइड की फॉर्म से आपको बता रहा हूं कि इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा है, आपने कितना पढ़ना है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेनली सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा सेक्शन 2, जो कि आपको बताएगा कि इनकम टैक्स में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसको डिफाइन कैसे किया गया है। तो डेफिनेशंस आएंगी सर, हम फाइनेंस एक्ट को पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट से हमारे को रेट ऑफ टैक्स पता चल जाएंगे। छोटी सी हम आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी सिखाएंगे। हालांकि ये हमारा फाइनल स्टेज होगा, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे, जिससे कि आगे चल के चैप्टर में आपको या पूरे सब्जेक्ट मैटर में कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो बात समझ में आएगी। तो चैप्टर नंबर 1 में हम कवर करेंगे सेक्शन 1 टू 4, जिसमें मेनली डेफिनेशंस आएंगी और प्लस हम आपको फाइनेंस एक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टैक्स कैलकुलेशन के पर्पज से, सिंपल प्रॉब्लम्स। फिर आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 होगा रेजिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और ये डिस्कस करेगा आपके सेक्शन 5 टू सेक्शन 9। ठीक है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कोर्स होगा वो कैसे प्रोग्रेस होगा, हम जहां पे खड़े हैं वहां पर कितना और आगे जाना है, कितना हम कवर कर चुके हैं। ये सिर्फ आपको रोड मैप बताने के लिए है कि हम जिस जर्नी पे जा रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। सर, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ये डिसाइड ये करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स किससे लेगी। जैसे अभी हम जानते हैं कि विजय माल्या जी भाग गए हैं विदेश में, नीरव मोदी भाग गया विदेश में, के मोदी भाग गए विदेश में, तो ये जो लोग हैं इनसे हमारी गवर्नमेंट कैसे टैक्स ले सकती है, ले सकती है नहीं ले सकती है। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, आजकल स्पोर्ट्स के प्लेयर बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, घूमते हैं, कमाते हैं, तो उनसे कैसे टैक्स ले सकती है। सर, मोदी जी का भी उदाहरण दे दो, वो भी देश में कम है विदेश में ज्यादा है, तो डिस्प्यूटिंग बात हो सकती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे नहीं देंगे, कैसे देंगे, किन इनकम पे देंगे, ये सारी चर्चाएं यहां पर होंगी। प्राणी है, इंसान है, एक तो उसका मन विदेश घूमने को करता है, फिर दो पैर उसके रुकते नहीं है, तो ऐसे में हमारे इनकम टैक्स की लायबिलिटीज पे कुछ फर्क पड़ेंगे। ठीक है, ये तो डिसाइड करेगा सर कौन सी इनकम पर कौन टैक्स देगा। अब फिर आएगा हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम्स का चैप्टर सेक्शन नंबर 10। अब मैं आपको बता दूं, एग्जेम्प्टेड इनकम्स का जो चैप्टर नंबर 3 आएगा उसे हम वहां डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जेम्प्टेड इनकम को समझने के लिए मुझे तो पहले यह समझना होगा ना सर, वो इनकम क्या है और क्यों गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स को हम इनकम्स के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो आप ये क्वेरी मत करना सर, चैप्टर 2 के बाद हम चैप्टर 4 पे क्यों गए, चैप्टर नंबर 3 क्यों नहीं आया। अच्छा मुझे बताइए, क्या एग्रीकल्चरल इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। बच्चे कह रहे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये भी तो बताओ सर। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके पास पावर ही नहीं है। तो आपको एग्जेम्प्टेड इनकम से मिल जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चरल एक व्यवसाय है, बिजनेस है, तो हम उसे अलग से बिजनेस की इनकम के साथ डिस्कस कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जेम्प्टेड इनकम्स आएंगी, लेकिन वो पहले हमें इनकम समझनी है। इसीलिए हमारी इनकम की जब समझ आएगी तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको 5 चैप्टर बना के दे दिए मैंने, 5 तरह की इनकम है और 5 तरीके के चैप्टर हैं। तो जब उस चैप्टर में इनकम पढ़ेंगे तब आपको उसकी एग्जेम्प्शन का रेफरेंस देंगे। सेक्शन 10 में बहुत सारी एग्जेम्प्शन आएंगी, ठीक है सर। अब शुरू होगा सर इनकम किसे कहते हैं, यहां से मेरा रियल सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, इनकम किसे कहते हैं। और गवर्नमेंट कहती है कि इनकम 5 तरीके की होंगी, जिसे हम बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें से सबसे पहला हेड आएगा सैलरी। और सेक्शन वाइज बहुत छोटा सा सेक्शन है, 15 से 17, 15, 16, 17, 3 सेक्शन का चैप्टर, लेकिन पढ़ाने में मेरी जान निकाल देगा, पढ़ने में आपकी जान निकाल देगा। मतलब टफ नहीं है, लेंदी है, हाँ घबराना तो है ही नहीं सर। इतनी मेहनत करने के बाद क्या एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा।
डेफिनेटली हर बच्चा करता है, आप भी करोगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपके पास मकान है तो उसकी इनकम की बात करते हैं। मकान से दो तरह की इनकम हो सकती है, एक हो सकती है रेगुलर इनकम और एक हो सकती है वन टाइम इनकम। आप समझ के, बचपन में कहानी सुनते थे कि एक टेलर था, उस टेलर को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई। अब वो सोच रहा है कि मैं रोज इससे एक सोने का अंडा प्राप्त करता हूं, वो अंडा बेच के कमा सकता हूं, तो वो रेगुलर रिकरिंग इनकम है, हर साल हो रही है, हालांकि इसमें डेली है। तो आपका जो हाउस है उसे आपने अगर रेंट पे दे दिया तो रेंटल इनकम अगर आप कमा रहे हैं तो एक वो इनकम हो सकती है। एक हो सकती है कि सर मुझे पैसे चाहिए, मैंने मकान ही बेच दिया, तो वो भी इनकम हो सकती है। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में हम रेंटल इनकम की बेसिकली बात किया करेंगे, सेक्शन 22 से 27, और एग्जाम में डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ रेंटल इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो भी इनकम होगी, वो टैक्स भी होगी, लेकिन वो अलग से चैप्टर में डील की जाएगी। ये रेंटल इनकम मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बस बाकी क्वेरी सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में ले लेंगे ना। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है जी कमाने का तरीका अब आ गया, हाईफाई लोगों का तरीका, व्यवसाय बिजनेस। कपूर साहब आप क्या करते हो? मैं सोच में पड़ जाता हूं यार कि मैं इसे बिजनेस कहूं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, या मैं ये कहूं कि मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूं, ठीक है ना। तो एक तो सैलरी है, बहुत सारे लोग सैलरी इनकम अर्न करते हैं, कुछ लोग हैं पुराने लोग हैं, दिन भर हुक्का पीना है और प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, उसकी इनकम कमानी है। अब आ गया सर बिजनेस क्लास, बहुत मेहनत करता है, सैलरी क्लास भी मेहनत करता है सर, बिल्कुल करता है, तो बिजनेस क्लास भी बहुत मेहनत करता है और शिकायत भी करता है कि गवर्नमेंट मेरे ऊपर बहुत सारे प्रोविजन डालती है। गवर्नमेंट कह रही है कि बिजनेस बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है इनकम कमाने का, इसलिए हमारे सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रिहेंसिव जो नॉलेज लगने वाली है वो सारी बिजनेस इनकम में लगने वाली है। सेक्शन 28-44 लंबे चौड़े सेक्शन है, बिजनेस इनकम की बातें करेंगे। आपको मैं यहां पर बता दूं कि बिजनेस इनकम का क्वेश्चन जब आता है तो बीकॉम ऑनर्स में डेफिनेटली आता है, लेकिन बीकॉम प्रोग्राम में नहीं आता। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस इनकम का बड़ा लिमिटेड पार्ट आपने पढ़ना है, सारा मत पढ़ना, परेशान भी मत होना, अपने आपको करना भी मत। लेकिन सर अगर हम ऑनर्स वाले हैं तो आप पढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आएगी हमारी चौथी इनकम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हाउस प्रॉपर्टी सेल करने से जो इनकम होगी वो इस हेड में आएगी। सर हमें ये आपके गले में चेन दिख रही है, क्या ये सोने की है? हाँ जी सोने की है। अब सर मान लो आपकी मर्जी हो इसको सेल करने की, तो आप कभी सोचोगे ना यार मैंने इतने में खरीदी थी, आज महंगा हो गया, बेच दूं तो इनकम हुई नहीं हुई? हुई, कहां टैक्स होगी? इस हेड में टैक्स होगी। इस हेड का सर नाम क्या है? इसे बोलते हैं इनकम, कैपिटल गेन इनकम, और इसके सेक्शन है 45-55 कैपिटल ए। ये कैपिटल गेन में सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्स हो रही है सेल करने की, या आपकी गोल्ड की, कुछ भी। यहां पर यह सेक्शन कहता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसे आप सेल करोगे, इनकम होगी, तो यहां टैक्स होगी। फिर बच गई हमारी अदर इनकम। अब सर अदर इनकम का क्या मतलब हुआ? देखिए जी, मैंने कुछ पैसा जोड़ करके किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिविडेंड मिला। सर मैंने पैसा जोड़ के बैंक में जमा कर दिया, इंटरेस्ट मिला। सर मैं नौकरी अब नहीं करता, रिटायर हो गया हूं, पेंशन आ रही है, तो भाई पेंशन भी इनकम है। इसी तरीके से सर मैं 10 का दम जीता, मैं केबीसी जीता, सर मैंने लॉटरी खेली, क्या क्या शौक है सर आपके, घोड़े पर पैसा लगा दिया, घोड़ा जीता रेस, तो ये सारी भी तो इनकम्स हैं। हां सर, तो ये इनकम इस वाले हेड में टैक्स होंगी। सर मुझे गिफ्ट मिला, वो भी यहां टैक्स होगा। लॉटरी खेली, डिविडेंड इनकम है, वो सब यहां पर आपकी इनकम आती है। यानी कि इनकम को समझने में हमारा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, 5 ये जो चैप्टर हैं ये बहुत बड़े हैं। जब ये 5 चैप्टर पढ़ लेंगे तो टोटल इनकम निकाल पाओगे। समझ में आया?
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पांचों को पढ़ने का बाद का माइंड ही बनता है, अलग अलग भी बनता है। ठीक, उसके बाद आएगा क्लबिंग ऑफ इनकम, किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम को हमारी इनकम के साथ गवर्नमेंट कभी कभी जोड़ देगी, ऑब्वियस रीजन है, इस चैप्टर में आपको समझाएंगे तो आप मान जाएंगे। फिर आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, गवर्नमेंट कहती है कि देखो हो सकता है पिछला साल आपका अच्छा नहीं रहा हो, जैसे एयरलाइन वाले कहते हैं हमें नुकसान हो गया, दिल्ली मेट्रो कहती है जी मैं अपनी लाइबिलिटीज नहीं चुका पा रही, हालांकि वो फायदे में ही है। तो ऐसा कोई व्यवसाय जिसे कभी पीछे नुकसान हुआ हो तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप जब कमाते हो तो हमें टैक्स देते हो, अगर आपको नुकसान हो गया तो हमारी ड्यूटी बनती है हम आपकी सहायता करें, और सहायता ऐसा करेंगे कि अगले फ्यूचर में जब आप कमाई करोगे आपका टैक्स बनेगा तो उसमें से आपको डिडक्शन कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, कमाई आपकी जो है ना एडजस्ट कर देंगे लॉस के साथ, जिससे कि आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मिल पाए, यानी हम आपके सुख दुख के साथी हैं, सिर्फ सुख के नहीं दुख के भी साथी बनेंगे। ठीक है, तो पास्ट जो इनकम टैक्स के लॉसेज होंगे वो एडजस्ट किए जाएंगे। फिर आएगी हमारे पास डिडक्शंस, देखिए ऊपर था एग्जेम्प्टेड इनकम और नीचे है डिडक्शन, जल्दी आपको बताएंगे। एक एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब है कि उस इनकम का जिक्र ही मत करो सरकार के साथ, डिडक्शन का मतलब होता है अगर आपने इनकम कमाई है तो गवर्नमेंट उस इनकम को छोड़ देती है कि चलो इसको इनकम को एग्जेम्प्ट तो नहीं है, इनकम में डाला और वहां से बाहर निकाल दिया कि छोड़ो इस पर टैक्स नहीं लेंगे। जैसे आपके बैंक की इंटरेस्ट हो सकते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट बात करती है, या गवर्नमेंट कभी बात करती है चलो आपने पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया, सेविंग स्कीम्स में लगाया, पीपीएफ वगैरह कर दिया, तो इस इनकम को बाहर रख लो, इस पर टैक्स नहीं देंगे। यानी इनकम में इनकम थी और गवर्नमेंट ने बाहर कर दी तो डिडक्शन। एग्रीकल्चर इनकम थी वो घुस ही नहीं पा रही अंदर, वो एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड इनकम इनकम में आती ही नहीं है, और डिडक्शन का मतलब होता है वो इनकम जो टैक्स होनी थी लेकिन सरकार ने आपके ऊपर थोड़ी सी रहम किया और उसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब ये सारा करने के बाद ही बेसिकली बेटे हमारे इनकम टैक्स का रियल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाता है कि सर मुझे कितनी इनकम पे टैक्स देना है। पांच हेड की इनकम को जोड़ो, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 उसको जोड़ो, उसमें 9 और 10 एडजस्ट करो, उसमें 11 माइनस करो, तब जाकर के आपकी फाइनल इनकम आती है जिस पर आपको टैक्स की कंप्यूटेशन करनी होती है। तो यहां जाके हमारा मेजरली सिलेबस बेसिकली खत्म होने के स्टेज पर आ जाता है, उसके बाद हम असेसमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको रिटर्न के बारे में बताते हैं और बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक बताते हैं, और फिर जाकर के हमारा जो है सिलेबस बेटे ऐसे कंप्लीट होता है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं जो आपने बेसिकली पढ़ा। सर हमने जो सेक्शन यहां पर लिखे हैं इन्हें हमें पढ़ने में बहुत समय लगने वाला है, तो आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, यहां पर चैप्टर 1 में हम आपको कुछ हद तक बताएंगे कि सर इनकम कैसे निकालनी है और टैक्स कैसे निकालना है, चैप्टर नंबर 1 में ही थोड़ा आपको बता देंगे, और वही बात चैप्टर 1 में जो आपको बताएंगे वो बेसिक बताएंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे कहां पर, जब हम चैप्टर नंबर 12 में आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 12 जाने में बहुत समय लगने वाला है, और इसीलिए मैं बताता हूं कि हम ये स्लाइड्स लेकर के आपको यहां पर टाइम आपका सेव करेंगे। तो सर हमारी इनकम के हेड्स थे, एक तो हमारी इनकम थी सैलरी, ये आपकी सैलरी की इनकम थी, हो सकता है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो सकता है कि आपके पास बिजनेस से रिलेटेड इनकम हो सकता है कि आपने कोई कैपिटल गेन की इनकम अर्न की हो, और फिर बाकी अदर सोर्सेज की भी आपके पास इनकम हो सकती है, ये सारी आपकी इनकम हो सकती है। इन पांच हेड्स को मिला करके हमारी एक इनकम आएगी, जो कि वो भी हमारा चैप्टर नंबर 9 और 10 एडजस्ट करने के बाद आएगी। ये आसान काम नहीं रहने वाला है, बहुत लंबा चौड़ा काम होगा, पेशेंस रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, और यहीं पर ही आपको फिर समझ में आएगी सारी की सारी बातें, और इसके बाद हम लोग डिडक्शंस को डिस्कस करते हैं और फिर आपको टैक्स की कंप्यूटेशन बताते हैं, ठीक है।
अब मैं यहां लंबा चौड़ा समय इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि अगली क्लास से मैं ये सारी की सारी बातें आपके साथ करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रोक देते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम अपना इनकम टैक्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। टाटा बाय बाय, सी यू।